प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल की रही उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विपक्ष पर हमला बोला है। मंत्री ने कहा है कि ईडी के दम पर बीजेपी राजनीतिक फेरबदल करने का प्रयास कर रही है। इधर ईडी की कार्रवाई पर टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं षड्यंत्र पूर्वक विपक्ष के खिलाफ ईडी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही कहा है कि सौम्या चौरसिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति हो अगर उन्होंने गलत किया है तो वो गलत है, वो उनका कृत्य गलत है। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, बुराई होती है, कमी होती है, विशेषताएं होती हैं, तो कहीं कमी है वो भी बात में सामने आएगी। पूरा व्यक्ति कोई खराब पूरा नहीं होता, पूरा दोषी नहीं होता। उसके चरित्र के कुछ हिस्से हैं, उसके आचरण के कुछ हिस्से हैं जो हो सकता है खराब हो, बहुत हिस्से हैं जो अच्छे हों। कोई खराब बात सामने आती है और वो कानून के विपरीत जाती है तो फिर कार्रवाई की बात आती है।